हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं नहा धो के ब्रेकफास्ट करके रेडी हो चुकी हूँ। और अभी मैं पतिदेव का इच्छा हुआ है चाय पीने का और मेरा भी इच्छा हुआ, अभी मैं चाय बना रही हूँ। शान भी उधर से आके बोलती है मामा पापा चाय पियेंगे। पापा क्या करेंगे शान बेटा, बहुत बदमाश लड़की है। और पतिदेव इधर फीस लेके आ गए थे क्योंकि काफी दिनों से हम लोग का नॉनवेज मतलब बंद था। उस दिन बाहर गई थी तो कुछ स्नैक्स वगैरह खाई थी बट मतलब बनाई नहीं थी कुछ घर में। तो आज पतिदेव फिश उठा के लाए हैं और फिश में इतना सारा अंडा दे दिया है, देख सकते हैं आप लोग। तभी उसको मैं बनाऊंगी और पतिदेव उधर शायद खुद भी पढ़ रहे हैं, मानवी को पढ़ा रहे हैं। तो बन रही है, चलते हैं उधर देखते हैं क्या बड़ा उधर। क्या सानवी बोलते रहती हो तुम, आजकल मैं कुछ गाना ज्यादा सीख रही हूँ क्योंकि मेरे भाई की शादी होने वाली है, सबको रिपीट करते रहते हैं। तो चलिए पतिदेव को उधर चाय देते हैं, थोड़ा थोड़ा देखिए कितना लाए हमें अपने लिए और उनके लिए। आओ सानवी इधर आओ, तुमको क्या चाहिए। फिर मानवी नीचे बैठ के पढ़ती है, पापा ऊपर। मानवी टेबल बेड पे रख लो ना सानो, और हम लोग बैठ के चाय पीएंगे। फिश का अंडा फ्राई कर रहे हैं, इधर मिर्ची अब डालूंगी क्योंकि बच्चे लोग अगर चखेगी तो रोने लगेंगे। और इधर मैं फिश में मसाला वगैरह मिल करके रखी हूँ और इसको फिर फ्राई करूंगी। और इधर हमारी सानवी पता नहीं क्यों रो रही है, दरवाजा में चोट लगाई है बच्ची। कहाँ हुआ बेटी, कौन सी में चोट लगी है बेटा को, उंगली में कैसे लगा लिए बेटा। देखिए दरवाजा में पूरा मार ली है कसके में बेटी, उंगली उंगली में चोट लग गया। कोई सलाह नहीं दिया पापा, नहीं पिचा गया, पिचा गया तो क्यों दरवाजा में सटे हुए थे, देखिए कितना तेज हवा चलता है बेटा, ठीक हो जाएगा बाबू। पर लग गया आपको गुड़िया, ठीक हो जाएगा। अरे गाइस गलत कमेंट मत करिएगा, बच्चे है गर्मी ज्यादा है इसलिए गंजी पैंट पहन के अपना खेल ली। नहीं सानो बेटा अभी नहा भा के आई थी तो मैं ही पहना दी थी, मैं पैंट का है आपका पैंट रखा ही हल्ला कर रही है लेगिंग्स पहनाने के लिए। आपका पैंट हम रखे हैं गोदरेज में लेकिन मैं नहीं पहनाती हूँ जान के, बाहर निकलेगी छत में सामने खेले तो फिर पहना लेंगे, अभी रूम में ऐसे ही रहेंगे। चलिए गाइस फिर किचन में जा रहे हैं नहीं तो जल जाएगा। तो देखिए गाइस अभी कितना टाइम हो गया, 3:15 हो गया है, तो 15 बड़ा मानवी का भी जस्ट क्लास होगा। और इधर हमारे सामने बीटी छू ली ठंडा ठंडा कूल रूम करके। और मैं चली, मानवी जाओ बैग पैक करो, चलो लाइट जलाओ तुम जाओ बैठो, मानवी का भी क्लास है 4:20 से, जो मैट हटा के रखो सब। मैं इधर मानवी के लिए पास्ता चढ़ा रखी हूँ और मैं खुद के लिए चाय, चाय तो मैं नहीं पीता, तो मेरा आदत नहीं कुछ है, लेकिन अकेले बैठे बैठे पता नहीं चाय पड़ी बार बार सिर्फ मेरा ध्यान देता है। लाइट आ रहा है इधर से एकदम, तो फिर मछली मछली बनाने के बाद पूरा चूल्हा चक्का साफ करना पड़ा है, सब साफ सुथरा धो पोछ कर ली हूँ। उसके बाद अब इच्छा क्या करें थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, बैठी हूँ चाय बनाती हूँ, ज़्यादा चाय पीऊँगी फिर। अब मानवी को ट्यूशन छोड़ने आज मुझे जाना है क्योंकि 2 दिन से जा नहीं रही, उसके पापा 2 बजे ड्यूटी जाते हैं, तो अभी रोशनी आ रहा है उधर जाके बात कर। तो देखिए आज कितनी मशक्कत के बाद मतलब टाइम नहीं होने के बाद आलस आने के बावजूद से आज मैं अपनी बनारसी साड़ी की ब्लाउज कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो आप लोगों ने कमेंट नहीं किया तो मैं इस टाइप से बाजू में इसको ऐड की और मैं सिंपल लुक दी हूँ क्योंकि ये बनारसी साड़ी है और बाकी डिजाइन उठते बैठते रहता है, इसलिए मैं इसको प्लेन बनाई, थोड़ी सी भी बॉडी में लूज है, इसको कल फाइनली फिटिंग कर लूँगी। वैसे ऐसे बुटन वगैरह में लगा ली हूँ, सारा मेहनत का काम हो गई हमारी, अब बस सिर्फ यही करनी है क्या इसकी फिटिंग थोड़ी सी कल करनी रह गई है, लास्ट फिटिंग की भी थोड़ी सी लूज हो गई है, देख सकते हैं आप मैं बना ली इसको। तो चलिए एक और बड़ा काम मेरा हो गया, देखती हूँ इसको कब पहनती हूँ, मैं आज तक पहनी नहीं, मेरी शादी की मई में 8 साल कंप्लीट कर लूँगी मैं, लेकिन 8 साल हो गए हैं मैं शादी को पहनी नहीं थी। तभी फाइनली सोची मेरी भाई की शादी हो रही है, इसके बाद हमारी कोई मौका नहीं मिलेगा पहनने का, पहनने कितनी अच्छी इसकी
मतलब मैरून पे गोल्डन सिल्वर की वर्क है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है साड़ी। तो चलिए गांव जाऊंगी तो फिर साड़ी आप लोग देख ही लेंगे। तभी मेरी ब्लाउज हो गई है रेडी और आप देख सकते हैं रात के 9:15 यानी कि 9:15 हो गई है और मैं चली अभी किचन में थोड़ा सा जल्दी से खाना बना दूँ। मानवी सवेरे उठती है फिर सोती नहीं है तो उसे सुला देते हैं खिला के। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं। अभी बिछावन उछावन करके यहाँ पर दोनों को सोने के लिए बोल रही हूँ। यहाँ पर खेल हो रहा है। कौन सा खेल हो रहा है? पत्ती खेल हो रहा है। जितना कपड़ा सवार है खरीदा के सबका स्टिकर रखती है, हम लोग फेंकते हैं और ये लोग जमा करती है। ये कितना अच्छा इधर से हवा। चलिए छत पे थोड़ा सा चल भाई। जब रात के 7:10 बजने वाली है, पति देव हमारे ड्यूटी से आने वाले होंगे। बादल लगी है बट बारिश होती नहीं है। गाइज मैं यहाँ से अनुमान कर रही हूँ हमारे पति देव जी आ रहे हैं। देखते कितना परफेक्ट होता है, हमारे पति देव जी ही हैं। अभी जो बाइक गुजरी अब दिखाते हुए इधर से तो देखते हैं हमारा 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 भविष्यवाणी कितना करेक्ट जा रहा है। देखते हम बने हैं वीडियो में, देखते हैं सही में पति देव आ रहा है क्या कि मैं गलत हो जा रही हूँ। अरे मैं उनकी बीबी हूँ ना, ऐसे कैसे झूठ में समझ ही नहीं सकती। देखिए हमारे पति देव जी सही में आ गए। मैं यहाँ पे खड़ी थी तो वहाँ दिख गया था जो जान आ रहे हैं। आपको देख के डॉगी क्यों हल्ला कर रहा है जी? नहीं पहचानता है क्या? देख ली थी जमाड़ी जानू। अरे वो लाइट वगैरह जाए जल रही है वहाँ से। फिर यहाँ पे दुकान के सामने मुझे लग गया बड़े जानू आ गए। तो चलिए काफ़ी खूबसूरत लगता है बाहर में हवा लगती है जहाँ देखिए शाय शाय आवाज करेगा। हमारा रूम का डोर स्क्रीन हमेशा उड़ते रहता है, तेज हवा चलता है, रात में काफ़ी अच्छा लगता है छत पर टहलना। तो गाइस अभी मेरे गाँव जाने की टाइम एकदम नज़दीक आ रही है। अंदर से ऐसे मतलब थोड़ा सा हार्ट बीट ज़्यादा हो रही है, समझ में नहीं आता कभी कभी। अरे कभी कभी दिख रहा है, कभी कभी सोचने लगती क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि दादी माँ का तबीयत ख़राब है तो इसलिए समझ में नहीं आता है क्या होगा। अंदर से खुशी भी है डर भी है दोनों। मैं तो हमेशा भगवान से ही प्रे करती हूँ वो ठीक हो जाए ठीक हो जाए ठीक हो जाए, पर देखते हैं भगवान की जो मर्ज़ी होती है वही होती है। अब मुझे ज़ोर तोर से सब करना पड़ेगा क्योंकि बहुत 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 जल्द मैं जा रही हूँ, यानी कि समझ लीजिए नेक्स्ट वीक जा रही हूँ। तो इसलिए मुझे अब बहुत सारी काम बच पेंटिंग है हमारी। तो देखती हूँ अरे यार कैसे फेस आ रही है, इसलिए सब वीडियो बनाने वाले रिंग लाइट लेके वीडियो बनाते हैं। लेकिन मैं ऐसे सिंपल तरीके से बनाती हूँ तो जिन्हें अच्छा लगता है वो लाइक कर देते, जिन्हें नहीं अच्छा लगता नहीं करते, जिन्हें अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर देते, जिन्हें अच्छा नहीं लगता नहीं करते। लेकिन मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी और करती हूँ जो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन प्रेस करिए। अगर कोई भूले भटके हमारी वीडियो देख रहे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, छोटा सा वीडियो रहने दीजिए। फाइनली हमारी ब्लाउज एक रेडी हो गई और कल फिर देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। कल तो यहाँ संक्रांति है तो आप सभी को हैप्पी संक्रांति। कल एडवांस में कल वो चैत की स्पेशल संक्रांति होती है। यहाँ पे उड़ीसा में तो पाना संक्रांति होती है, हमारे बिहार में सतुआनी मनाया जाता है। कल सतुआनी मनाते हैं, परसों क्या जूड़ शीतल वगैरह करते हैं ऐसे। कल रात को जो खाना बनेगा उसको रखा जाता है, परसों मॉर्निंग में सब खाते हैं ऐसे। और कल परसों मॉर्निंग में फिर चूल्हा वगैरह हम लोग के यहाँ नहीं फुकाता है, मतलब चूल्हा नहीं जलाते, फुकाने का मतलब चूल्हा को साफ सुथरा करके उनकी पूजा जुड़ने के लिए उनको रखा जाता है। कुछ है परंपरा कल की वीडियो में बताऊँगी। तो वही सब है तो फिर अभी आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। चलिए छोटा सा वीडियो रहेगा तो फिर हम कल आप लोग से मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं विदा ले रही हूँ। बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।